आप वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर 10C और जो कि एफिलेटेड है हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड अप्रूव्ड बाय AICTE। कौन सा कॉलेज है, कहाँ पर स्थित है, ये मैंने आपको जानकारी दी। और फाइन आर्ट्स की जो हमारी रिव्यू है आप देख पाते हैं यहाँ पर, इसकी जो रिव्यू है 4.5 है। और ये सेक्टर 10 के अंदर है और ऑफिशियल जो साइट है वो आपके सामने है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स चंडीगढ़। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आपके सामने अब खुल चुकी है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स चंडीगढ़। अब इस पर आपका स्वागत है और यहाँ पर जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं पूरी विस्तृत जानकारी आपको अब यहाँ पर देने वाला हूँ जैसे कि आप जानते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो 21 जून 2023 है रात के 12 बजे तक। तो एडमिशन फॉर्म फॉर सेशन 2023-24 फॉर BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड आर्ट्स पेंटिंग ग्राफिक्स प्रिंट मार्किंग एंड स्कल्पचरल कोर्सेस एंड इसके साथ डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स फॉर दिवंग ऑफ 4 ईयर ड्यूरेशन विल बी रिसीव ऑनलाइन अलॉन्ग विद द नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 500। अब कॉलेज वेबसाइट आपके सामने हमने खोली हुई है और इसमें आपने 12 बजे तक इसको सब्सक्राइब। इसमें कितनी सीटें हैं इसकी पूरी डिटेल्स मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म जो है आपके सामने है और यहां से हम बात करेंगे अपने कॉलेज के फॉर्म्स की। और फॉर्म्स के लिए अब यहां से पूरा जो प्रोसीजर है मैं आपके सामने बता देता हूँ। इसका एडमिशन शेड्यूल जो है आपके सामने आ चुका है। स्टेज 1, देर विल बी एन एप्टीट्यूड टेस्ट। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट 21 जून है जो कि वेडनेसडे है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट डिस्क्रिपेंसी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑल्सो विल बी नोटिफाइड एट द कॉलेज वेबसाइट। 30 तारीख को इसकी डिस्प्ले हो जाएगी। डेट्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ ऑल इंडिया पूल चंडीगढ़ यूटी पूल एंड DFAD ये 11 जुलाई को और 12 जुलाई को हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट ऑफ पर्टिकुलर रोल नंबर कॉल फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी नोटिफाइड थ्रू कॉलेज वेबसाइट 30 जून को और 13/7 को ये हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दैट इज़ 18th of July। और आपने आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ 10+2 रिजल्ट कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर डिटेल मार्कशीट जो कि ऑलरेडी सभी बोर्ड्स की हो चुकी है। कंसिडरेशन ऑफ 40% वेटेज मार्क्स कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। और इसके बाद डिस्क्रिपेंसी जो है एंड फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्क्रिपेंसी टू बी रिमूव्ड बाय अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑन कॉलेज वेबसाइट 21 जुलाई है और फाइनल मेरिट लिस्ट एंड काउंसलिंग डेट विल बी 24th of July। और इसके बाद आपकी जो एडमिशन का प्रोसेस है स्टेज 3 स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग जो है वो 1 अगस्त से होगी और एलिजिबल जितने भी ऑल इंडिया पूल के होंगे 2 तारीख को लिस्ट लग जाएगी। कमेंसमेंट ऑफ टीचिंग 7 अगस्त से बात की जा रही है। सेकेंड काउंसलिंग यूटी पूल एंड DFAD इज रिक्वायर्ड 14 तारीख को। सेकेंड काउंसलिंग अगस्त सीट्स बचती है ऑल इंडिया पूल इफ़ रिक्वायर्ड 16 अगस्त को। और थर्ड काउंसलिंग का भी
यहाँ पर प्रावधान रखा गया है यूटी पूल एंड डीएफएडी इफ़ रिक्वायर्ड 28, और थर्ड काउंसलिंग ऑल इंडिया पूल इफ़ रिक्वायर्ड 29 अगस्त, और फाइनली जो लिस्ट है वो आपकी क्लोज़ हो जाएगी 28 और 29 तारीख को। तो ये थी पूरी की पूरी आपके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ ये एडमिशन होगा, और इसके बाद इसमें आपके पास 10+2 पास हुआ होना चाहिए। डिप्लोमा इन फाइनेंस के अंदर आपकी जो है 10th की एलिजिबिलिटी रखी गई है, और इसके बाद ये सारे प्रोस्पेक्ट्स आपने इनटेक कर देना। सीटें बहुत यहाँ पर कम हैं, सिर्फ टोटल सीट 15, 15, 15, 15, हमारे पास ओनली 60 सीट्स आर देयर। तो आप समझ ही सकते हैं किस लेवल का यहाँ पर टेस्ट होगा, कितनी परसेंटेज चाहिए। और जो बच्चे अपना कैरियर फाइन आर्ट्स में करना चाहते हैं तो उनके लिए ये मैं कहूँगा इस एरिया का बेस्ट कॉलेज है। तो यहाँ पर आके एडमिशन लें और अपनी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से करें। अन्य कोई जानकारी चाहिए होगी तो मेरे वेबसाइट के नंबर पे आप विज़िट कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल करके आप हमारी से बात करके कोई भी रिव्यू लेना चाहते हैं तो आपको दे दी जाएगी। तो धन्यवाद, शुभ दिन के साथ ये वीडियो यहीं क्लोज़ करते हैं।